रांची टेरा स्टाइल 2.0 में स्वागत है आप लोग का। आज हम लोग सीखेंगे सूट के मुंडा में बाजू कैसे लगाएं। तो देखिए, पहले तो इसको नाप लीजिएगा कि बराबर हो रहा है कि नहीं। बराबर हो गया, फिर इसको आप खुद का लगा लीजिएगा सामना में, दो दो सूत। उसके बाद इसको, ये सीधा रहेगा बॉडी, ये भी सीधा रहेगा। इसको फिर यहाँ देखिए, खुद का है यहाँ मिलाएंगे, ये खुद का मिलाएंगे, ये बाजू का जोड़ को। इसके बाद इसको ऐसे करेंगे, फ्रंट की ओर गिराएंगे, इसको अब गिराएंगे बैक की ओर, ऐसे कर लिए। फिर इसको अच्छा से पकड़ लेंगे, मिला लेंगे। इसके बाद पूरा सूट को अच्छा से मिला लेंगे। उसके बाद देखिए, इसको यहाँ से ऐसे रख लिए एक चाप, अच्छा से जड़ लेंगे यहाँ। इसके बाद एक चाप रख के, और दोनों में से किसी को नहीं टालना है, बस एक चाप लेके सीते जाना है। दोनों में से किसी को न टानिएगा। देख लीजिए, फ्रंट फ्रंट भी नहीं टनाएगा, बैक भी नहीं टनाएगा आपका, देखिए बाजू भी नहीं टनाएगा। ठीक है, ठीक है, सही लगेगा। फ्रेंड, आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। दो मिनट में आपको बाजू लगाने आ जाएगा। देखिए, खुद का आपको यहाँ शोल्डर का जोड़ पास खुद का आना चाहिए। दोनों कदम मिला के रखेंगे, टान टून किसी को नहीं करेंगे। कि ये भी आपका है, मिला के सिर्फ आराम आराम से सीना है। देखिए, आराम आराम से दम सीना है। अब इसको डबल सिलाई मार लेंगे, सिलाई के ऊपर सिलाई। ये शोल्डर पास आ गया तो ये शोल्डर लूपी लगेगा अंदर में, इसको पहले ही पकड़ लीजिए ऐसे, अच्छा से नाक लगा दीजिए। सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलाइएगा, डबल सिलाई राउंड दीजिएगा। ये देखिए आपका आर्मोल बाजू में, आर्मोल आराम बाजू लग गया। देखिए आपका, देखिए ये बाजू अभी हमने लगा है, देखिए कितना अच्छा बढ़ गया यहाँ पे आपका। देखिए, ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप कि फूला हुआ तो नहीं। देख लीजिए आप फ्रंट में, देख लीजिए ऐसे करके, बैक में भी आप देख सकते हैं ऐसे करके। इसको भी आप खुली मार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।